दिस स्टोरी ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट दैट इज़ 100 ड्रेसेस इन विच वी टॉक्ड अबाउट पैगी मैडी एंड द गर्ल हु वॉज अ पुअर गर्ल वेंडा पेट्रॉन्स्की. सो नाउ लेट अस सी वॉट हैपेंड. आई टुक द हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट आई टुक. नाउ लेट अस सी वॉट इज देयर इन द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी. नाउ यू सॉ दैट वी टॉक्ड अबाउट पैगी. पैगी वॉज नॉट एट ऑल क्रूअल. दैट इज दैट आई रेड यस्टरडे. पैगी ने बताया था कल कि पैगी जो थी वो बेसिकली क्रूअल नहीं थी. सो शी ट्रीटेड एवरीबडी वेरी पोलाइटली एंड डिसेंटली. शी लव्ड एनिमल्स एंड ट्रीटेड डिड नॉट मिसट्रीट विद द एनिमल्स ऑल्सो. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन द फर्दर स्टोरी. सो द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वेंडा आस्क्ड पैगी एंड मैडी आस्क्ड हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड. शी रिप्लाइड शी हैड 100 ड्रेसेस. तो उससे पूछा तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है. तो वेंडा सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड दे डिड नॉट बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव. दे वर इनक्रेडिबल. दे थॉट दैट इट वॉज इनक्रेडुलस दैट सच ए पुअर गर्ल हैड 100 ड्रेसेस. सो दे लव्ड एट हर एंड मेड फन ऑफ हर एंड देन दे एग्जैजरेट द मैटर. उन्होंने बोला कि तेरे पास बहुत सिल्क की होंगी सारी ड्रेसेज और वो सब कलर में होंगी और तुमने उसे अलमारी में रखा हुआ होगा. तो वेंडा सेड दैट यस आई हैव ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. आई हैव केप्ट देम इन माई अलमीरा. नाउ देन दे आस्क्ड अबाउट हाउ मेनी शूज़ यू हैव. देन अगेन वेंडा सेड आई हैव गॉट 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. दे आर ऑल्सो इन माई अलमीरा ड्रॉर. क्राइज ऑफ एवरीबडी exaggerated politeness greeted this. Everybody smiled, just smiled, did not say anything. Oh no, every pair is different. अरे सारे उसके जूते अलग अलग होंगे. She must be having shoes of all colors, all lined up. So just see the students making fun of Venda. ये आप भी करते हो जब किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हो तो चार बातें जोड़ के आप भी उसके साथ मजाक करते हो. Now I Peggy who had thought of this game and Maddie her inseparable friend were always the last to leave. पैगी ने सोचा ये तो अच्छा खासा गेम हो गया. और मैडी हु वॉज़ द इनसेपरेबल फ्रेंड ऑफ पैगी शी वॉज़ द लास्ट टू लीव फ्रॉम देयर. सब चले गए पर वो बाद में गई. फाइनली वेंडा वो मूव ऑफ द स्ट्रीट. देन द लास्ट वेंडा मूव्ड इनटू द स्ट्रीट. हर आइज वर डल एंड हर माउथ क्लोज. उसकी आंखों में डलनेस थी और वो चुपचाप थी. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन अपने कंधे को ऊपर करती हुई बार बार. इन ए फनी वे शी हैड उसकी आदत थी कंधों को ऊपर उचकाने की. करते हुए शी वेंट ऑल अलोन फ्रॉम द स्कूल. वॉकड ऑल अलोन टू स्कूल अलोन. पैगी वॉज नॉट पैगी. नाउ द नेचर ऑफ पैगी वॉज नॉट एक्चुअली वेरी क्रूअल. शी वॉट एवर शी डिड वर्स वेन शी वॉज विद मैडी शी यूज टू इल ट्रीट विद अदर पर्सन. एक्चुअली शी वॉज नॉट द गर्ल हु वॉज क्रूअल टू अदर पीपल. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम पुलिस. वो बच्चों को जो बच्चे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को तंग करते थे उनसे बचाती भी थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. वो बहुत बुरा उसे बहुत दुख होता था जब इफ़ एनीबडी डिड नॉट ट्रीट वेरी वेल विद द एनिमल्स. बट इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर. पर अगर कोई उससे ये कहता डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा. कि वॉट एवर बिहेवियर वी आर शोइंग टू वेंडा इज़ अ क्रूअल वे. शी विल बी शी वुड हैव बीन सरप्राइज. शी डिड नॉट से एनीथिंग. शी वॉज जस्ट सरप्राइज. सो दिस वॉज द क्रूअलनेस. हेयर शी वॉज लिटिल बिट क्रूअल. Why did the girl say she had? Now she wanted to know why Venda said she had 100 dresses. Anybody could tell that she was a lie. That was a lie. सबको पता था वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोल रही है? And she wasn't just an ordinary person. वो तो she is just not a person like us. She is very poor. Else why did she have a name like that? उसने ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है? Anyway, they never made her cry. फिर भी वो उसको रुलाते नहीं थे. As for Maddie, the business of asking Venda every day how many dresses, how many hats. ना तो मैडी का सवाल था. वो रोज़ उससे एक ही बात पूछती तो बस कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी टोपी हैं, हाउ मेनी
and how many this and that. She was all the time bothering her by asking because she knew she does not have. So that is why she was all the time asking the same question. So पता था उसके पास है तो कुछ नहीं, पर फिर भी उसको पूछ पूछ के चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास क्या, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है. मैडी वॉज अर पुअर हर सेल्फ. मैडी शी यूजली वोर समबडीज हैंड. मैडी वॉज पुअर. मैडी खुद भी बहुत गरीब थी. शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ. शी यूज टू वियर द अदर पीपल्स क्लोथ गिवन टू हर बाय अदर पीपल. थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप इन बॉगिन हाइट्स. पर इतनी बात थी कि वो बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती. एंड डिड नॉट हैव अ फनी नेम. दैट वॉज द ओनली थिंग. अदरवाइज शी वॉज ऑल्सो ए वेरी पुअर गर्ल. सो मैडी एंड मैडी वॉज हर सेल्फ पुअर बट बिकॉज शी डिड नॉट लिव इन बॉगिन हाइट्स एंड डिड नॉट हैव अ फनी नेम सो इट वॉज ओके. तो चलता था. समटाइम्स वैन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वेज. कभी कभी जब पैगी वेंडा से हंसी उड़ाने वाले और बड़े विनम्र शी यूज मेकिंग फन ऑफ हर इन ए पोलाइट मैनर. वैन वेन एवर पैगी यूज टू आस्क क्वेश्चन इन ए फनी एंड मॉकिंग मैनर टू वेंडा, मैडी फेल्ट एम्बेरस. मैडी को बहुत शर्म आती, अशेम्ड, एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. और वो अपने हाथ में जो कंचे होते थे उनसे खेलती रहती थी. बट डिड नॉट से एनीथिंग. रोलिंग दम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल. खुद अपनी तरफ से शी डिड नॉट से एनीथिंग टू वेंडा. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा. ये नहीं कि उसे वेंडा के लिए दुख था. एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा. देखा जाए तो वो कभी भी वेंडा की तरफ ध्यान भी ना देती इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. अगर वेंडा ने ये दवाइयों ये सॉरी ड्रेसेस वाला गेम शुरू ना किया होता तो पैगी मैडी वुड नॉट हैव पेन एनी अटेंशन टू. बट बिकॉज पैगी इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम बाय आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस वी हैव दिस एंड दैट. सो ड्यू टू दिस गेम मैडी हैड टू गिव अटेंशन टू वेंडा. तो इस वजह से उसे वेंडा को अटेंशन देनी पड़ रही थी. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑनर नेक्स्ट. पर जब सब शुरू हो जाते थे शी वॉजन्ट एज पुअर एज वेंडा. वो कम से कम वेंडा जितनी गरीब नहीं थी. परहैप्स बट शी वॉज पुअर. पर वो गरीब तो थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100. पर उसको ये पता था कि मुझे ऐसा नहीं कहना कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं. शी वॉज सेंसिबल इनफ नॉट टू से लाइक दिस. स्टिल शी वुड नॉट लाइक देम फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. पर वो ये नहीं चाहती थी कि दूसरे उसका मजाक उड़ाएं. शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की. उसकी इच्छा थी दैट पैगी शुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स्की. नाउ द क्वेश्चंस आर कॉम्प्रिहेंशन चेक. दिस यू विल डू अलॉन्ग विद द स्टोरी. फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस इज ओरल. दिस यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ, फ्रॉम द लाइन इटसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस. टुडे इवन दो दे हैड बीन टू लेट स्कूल. आज जब वो दे वर लेट ड्यू टू वेंडा. मैडी वॉज ग्लैड. मैडी वॉज वेरी हैप्पी. शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. कि आज चलो अच्छा वेंडा नहीं आई तो कुछ आज कुछ का मजाक भी नहीं उड़ाना पड़ेगा. दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. उसने अपना बिना ध्यान लगाया मैथ्स का काम किया. 8 times 8 लेट्स सी. शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट टू पैगी टू से. नाउ मैडी वॉज थिंकिंग दैट टुडे शी वॉज विशिंग दैट शी शुड राइट सम नोट टू पैगी बिकॉज शी वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विद पैगी. सो शी थॉट दैट टुडे आई शुड राइट अ नोट अ मैसेज फॉर पैगी. अदरवाइज डायरेक्टली शी वॉज नॉट एबल टू टॉक टू पैगी अबाउट वेंडा. सो शी थॉट दैट शी विल राइट अ मैसेज और ए नोट टू हर. हे पैगी लेट स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. नाउ शी रोट अ नोट पैगी. चलो हम आज के बाद उसका ड्रेसेस वाला गेम बंद कर देते हैं. उससे नहीं पूछेंगे कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. व्हेन शी फिनिश हर अर्थमेटिक. जब उसने अपने सवाल पूरे कर लिए शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी. आफ्टर फिनिशिंग हर मैथ्स वर्क शी स्टार्टेड राइटिंग दिस मैसेज. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. अचानक वो रुकी और कांपने लगी. शी पिक्चर्ड एल्सवेयर इन द स्कूल यार्ड. शी इमेजिन्ड दैट शी वाज स्टैंडिंग इन द स्कूल ग्राउंड. अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. और आज की शी वॉज द पर्सन टू हुम द पीपल विल अटैक टूडे. शी जस्ट इमेजिनिंग और शी इज़ जस्ट कीपिंग हर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ वेंडा पेट्रोस्की. सडनली शी पिक्चर हर्स ऑन द न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस. उसे ऐसा लगा पैगी मुझसे भी पूछेगी कि तुम्हारे पास ये ड्रेस कितनी है. शी हैड तुमने तो ये ड्रेस कहाँ से ली जो तुम्हारे पास है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज ऑफ
वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और मैं उसे ये कह रही हूँ कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है, ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कि दिस इज़ द ड्रेस विच शी हैज़ टेकन, कि पैगी की पुरानी ड्रेस है, एंड कि मैडी मेरी जो माँ है मैडी की मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, उससे वो छुपने की कोशिश कर रही है, और इस ड्रेस को पहन के वो अपने आप को रूम नंबर 13 में छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे कोई पहचाने ना। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, नाउ पैगी अपने आप से डिसाइड करेगी कि वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करेगी या नहीं करेगी। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मैडी ने अपने बाल जो ब्राउन बाल थे उन्होंने हाथ घुमाया एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, ताकि वो जो विचार और जो इमेजिनेशन उसको हो रहा है कि लोग बच्चे मेरा जब मजाक उड़ा रहे हैं और मैं ये जवाब दे रही हूँ, इससे बाहर आने के लिए उसने अपने सिर में हाथ बालों में हाथ फेरा, टू कम आउट ऑफ दोज नेगेटिव थाट्स। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, फिर उसने वो जो नोट लिखा था वो फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, उसने सोचा मैं पैगी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, एंड एवरीबडी लाइक पैगी इन द क्लास इन द होल रूम 13, रूम नंबर 13। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट, पैगी तो कभी कोई गलत काम करती नहीं, ऐसा मैडी ने सोचा। As for Venda, she was just some girl who lived on Boggin, जहाँ तक वेंडा, she was the only girl who lived in a very poor colony, that is Boggin Heights, and stood alone in the schoolyard, और हमेशा अकेली रहती without friends. She hardly ever said anything to anybody, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. केवड़ी की बात उसने आज तक, she has spoken in the school ground, that is, she has got 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses. मैडी को आज भी याद है जब वो अपनी एक ड्रेस के बारे में उसे बता रही थी, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, बहुत उड़ा हुआ सा नीला रंग और उस पर कलर ट्रिमिंग हुई हुई है, सिली हुई, एंड शी रिमेंबर अदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शैश, और एक उसे और याद है जो विच वाज ऑफ ग्रीन कलर, दैट इज़ अ जंगल ग्रीन कलर, उसके ऊपर एक रेड शैश लगा हुआ है। You would look like a Christmas tree in that. तुम तो इसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। The girls had said in pretended admiration. जानबूझ के झूठी तारीफ करते हुए उन्होंने ऐसा उसको कहा। Thinking about Vanda and 100 dresses, Vanda की के बारे में सोचते और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए ऑल आर इन द लाइन, मैडी बिगन टू वंडर, मैगी आश्चर्य में पड़ गई, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राॅइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि देर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन देयर स्कूल ऑन टू मेक पिक्चर्स और ड्राॅइंग्स, हु विल विन दिस कॉन्टेस्ट, लेट अस सी। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए जो कॉम्पिटिशन था, दे हैड टू डिज़ाइन डिफरेंट ड्रेसेज, उनको कई ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है, एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट, एंड बॉयज़ हैड टू डिज़ाइन मोटर बोट्स, दिस वॉज अ कॉम्पिटिशन कैप्ट इन द स्कूल फॉर इन आर्ट सेक्शन। प्रॉबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, सबको पता था दैट पैगी ही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी अदर इन द रूम, पैगी वॉज वेरी गुड इन ड्राॅइंग दैन अदर चिल्ड्रन, एट लीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थाट, दिस वॉज थाट बाई एवरीबडी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हू इट वॉज, शी वॉज सो गुड इन कॉपिंग द पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन, एंड सी नॉट ओनली शी कॉपीड द पिक्चर्स इन द मैगजीन, शी वॉज एबल टू मेक द फेसेज ऑफ फिल्म स्टार्स एंड एवरीबडी कुड ईजिली रिकोगनाइज हु द फिल्म स्टार इज, वो फिल्म स्टार की फ़ोटो भी बड़ी अच्छी बना लेती थी मैगजीन से और पिक्चर्स भी बना लेती थी। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को पूरा विश्वास था पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर अनाउंस करेगी हु इज़ द विनर, देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चली जाएगा कि विनर कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, बच्चों अगले दिन बारिश हो रही थी, लाइट रेन वॉज गोइंग ऑन, मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी के छतरी में स्कूल पहुँचे। नेचुरली वॉन अ डे लाइक दिस बिकॉज टुडे वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट डे वर्क फॉर देम, दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोस्की, तो आज वो ऑलिव स्ट्रीट वेयर दे लिव, दे डिड नॉट वेट फॉर हर, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रॉयल
railroad tracks and up the hill led to Bergen Heights. उसी गली से ऊपर एक सड़क जाती थी रेलवे लाइन से के साथ साथ पहाड़ी की तरफ, वहीं Bergen Heights था. Anyway, they weren't taking chances of being late today. आज वो किसी कीमत पर भी लेट नहीं होना चाहते थे, because today was very important for them, because today they will know the result of the drawing competition. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Mason is the name of the teacher, art teacher. पैगी ने पूछा मैडी से, क्या आज हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा विनर का? ओ आई होप सो, मैडी सेड. ऑफ कोर्स यू विल विन एंड आई नो दैट यू विल बी द विनर. होप सो, सेड पैगी. आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट मे बी. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैश. जैसे ही क्लास में पहुँचे तो दे वर शॉर्ट एंड टेकिंग अ वेरी डीप ब्रेथ दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. सारे कमरों में ड्राइंग लगी हुई. इन कम्प्लीट क्लास द पिक्चर्स वर डिस्प्लेड ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल. डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस ऑन एवरी वेयर इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम द डिज़ाइंस वर डिस्प्लेड ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर के ऊपर बनी हुई सब लगी हुई थी पेंटिंग्स. देर वर दे मस्ट बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. All were put in line. There were nearly 100. These must be the drawings for the contest. लगता है ये सारी pictures contest की हैं. They were. Everybody stopped. सब रुक गए. Some children whistled. कुछ ने सीटी बजाई. कुछ some students were appreciating the paintings very in a very slow manner. Murmuring means speaking in each other's ear and admiring the paintings. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. As soon as the class was quiet and everybody sat in the on their seat, the art teacher came and announced the winner. उसने आई और उसने विनर का नाम बोला. Jack Beggles had won for the boys. The boy who won in the boys section was Jack Beggles, she said, and his design for an outboard photo was an exhibition in room 12. और उसकी बनाई हुई पेंटिंग रूम नंबर 12 में एग्जिबिट लगा हुआ है. Along with the sketches by all other boys, along with other paintings, the Jack Beggles picture of outboard motor was also there in that room. As for the girls, she said, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, although just one or two sketches were submitted by mostly people submitted only one or two sketches, one girl and room number 13 should be proud of her. एक लड़की और room number 13 को उसके ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए. This one girl actually drew 100 designs. इसने एक दो स्केचेस नहीं 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए हैं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सब अलग और बहुत सुंदर. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, सो व्हेन द जजेस गेव देयर ओपिनियन, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. कोई भी डिज़ाइन विनर बनने के लायक है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि वेंडा पेंट्रोस्की आज की लड़कियों की आर्ट सेक्शन की विनर है. अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल. आज वेंडा आई नहीं है फॉर सम डेज. शी इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज. शी इज़ नॉट हेयर टू रिसीव दिस एप्रिसिएशन. दैट इज़ ड्यू टू हर. मीन वी आर नॉट शी इज़ नॉट एबल टू लिसन टू अवर क्लैपिंग एंड द क्लैपिंग्स आर ड्यू फॉर हर. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. हो सकता कल आ जाए. Now class, you may file around the room quietly. Now students, make a stand in one file or in one line all around the room quietly and look at her exquisite drawings. Just see extremely beautiful and well-made drawings of Wenda Pentrowski. Just move round and round the room and see all the paintings and drawings. The children burst into applause. Everybody clapped hands and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. And boys also showed their applause by stamping on the floor. बच्चों लड़कों ने भी ज़मीन के ऊपर पैर मार के अपना अप्लॉज दिखाया. Put their fingers in their mouths. उनके सबकी उंगलियाँ उनके मुँह में चली गई and started whistling because the painting, the designs of all 100 dresses were very beautiful. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज. जबकि ड्रेसेज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो दे स्टैम्प देयर फीट ऑन द फ्लोर एंड विसल इन अप्रिशिएशन फॉर वेंडाज डिज़ाइन.
लुक पैग, इस पर मैडी, मैडी ने कहा देखो पैग, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये रही वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में हमसे बात करती थी, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये वो ब्लू ड्रेस हैविंग अ शैश, इजंट इट ब्यूटीफुल, यस सेड पैगी, एंड हियर इज़ दैट ग्रीन, दिस इज़ द ब्लू वन एंड नाउ सी पैगी, ये रही वो हरी वाली हैविंग अ रेड शैश, बॉय एंड आई थॉट आई गुड ड्रॉ, लड़के सोच रहे थे कि काश मैं भी ऐसा कुछ बना सकता. दैट इज़ द स्टोरी द 100 ड्रेसेस पार्ट वन चिल्ड्रन. नाउ यू सी अ गर्ल लाइक वेंडा पेंट्रोस्की, सच अ क्वाइट एंड साइलेंट गर्ल, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द फन और टू द प्रैंक्स मेड बाय द अदर चिल्ड्रन रिगार्डिंग हर ड्रेसेज, रिगार्डिंग हर शूज, शी डिड नॉट केयर फॉर देम, शी शोड हर टैलेंट इन द कॉम्पिटिशन एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी दैट हाउ टैलेंटेड शी वॉज. सो दैट डे आई होप स्टूडेंट मस्ट हैव फेल्ट दैट फेल्ट अशेम्ड ऑफ देमसेल्व बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, ऑलवेज मे cut always they used to cut jokes on her, so that is why they will must be feeling very bad. So children, we don't know, opportunity comes to everybody, har aadmi ke paas ek avsar aata hai, and on that opportunity the person can show the talent and make other people surprise with his or her talent. So this happened in this the 100 dresses part 1. कितना भी मजाक उसका वेंडा का लड़की वो पैगी उड़ाती थी और बच्चे उड़ाते थे, पर इससे नथिंग, दिस डिड नॉट इफेक्ट वेंडा इन एनी वे, शी वॉज वॉट शी वॉज, शी डिड नॉट पे टू सच अटेंशन टू सच नेगेटिव थिंग्स. सो वी शुड ऑल्सो नॉट पे अटेंशन टू ऑल दिस नॉन सेंस विच इज़ स्पोकन बाय द अदर पीपल अबाउट अस. वी शुड ओनली डू वॉट इज़ अवर ड्यूटी, वी शुड ऑलवेज डू अवर वर्क सिंसियरली एंड एफिशेंटली and show the talent and should crack the opportunity whenever it comes to us. So this is the lesson, the 100 dresses part 1 children. Now the question answers will be, you can find out the, because this is comprehension check, oral questions, that is comprehension questions from the lines itself, so you will be able to get the answers in the lines itself. But the only thing is you have to just listen to this video very carefully and then you can do all the question answers given in this lesson, which are very short question answers. So now there are some exercises. These exercises I will discuss with you. There is one exercise, that is exercise 3. That is about adverb. This I will discuss with you. Okay, thank you children for paying attention. Now listen to the video carefully and try to do the question answers.